हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट्स फॉर जॉब्स में। आज हम बात करने वाले हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि रबी क्रॉप्स जो हैं ये सर्दियों में उगाई जाने वाली एक फसल है, और अगर अपन इंडिया का एक मैप बनाएं रफली, तो उसमें हम देखेंगे कि इंडिया का जो मैप है उसमें से जो स्टेट्स साउथ में पड़ते हैं, ये वाले स्टेट पेनिनसुलर पार्ट के जो स्टेट हैं, इनमें टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है उसमें बहुत कम डिफरेंस मिलता है। मतलब पूरे साल की अगर बात करें हम लोग, तो जो टेम्परेचर है उसमें बहुत कम बदलाव होता है। मोस्टली 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा वहाँ पर रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होगा, ठीक है। और ऊपर जो क्लाइमेट होगा ये होगा टेम्परेट, लेकिन ये टाइम से जब भी साल में मौसम बदलेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पर टेम्परेचर में वेरिएशन हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से रबी क्रॉप्स जो हैं वो हमेशा, आप लोग अगर मैप में देखेंगे इंडिया के, आप लोग गूगल पर इसको सर्च भी कर सकते हैं कि रबी जो क्रॉप्स हैं वो आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया। तो हम बात भी करेंगे कि रबी क्रॉप्स कौन से स्टेट्स में ज़्यादा उगाई जाती हैं, ठीक है। चलिए तो रबी क्रॉप्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रबी क्रॉप्स कुछ बातें हैं जैसे कि उगाया कब जाता है, सोइंग सीजन कब होता है इसका, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक। अब इसमें आप अक्टूबर नवंबर भी कर सकते हैं, अप्रैल मई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वेरिएशन थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके एग्जांपल्स की बात कर लें हम लोग, चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में एक एग्जांपल है वीट, इसके अलावा जो हमारा है बारले, जिसको हिंदी में जौ बोलते हैं, इसके अलावा पी यानी कि मटर, इसके अलावा ग्राम्स यानी कि चना, और मस्टर्ड। तो ये जो फसल हैं ये फसलें उगाई जाती हैं रबी सीजन में, ठीक है। अब बात की जाएगी कि कौन कौन से स्टेट्स में ये रबी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया है नॉर्दर्न इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड आप लोग को देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। तो अगर मैप में आप लोग देखेंगे तो ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो नॉर्दर्न इंडिया के स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला था रबी जो क्रॉप है वो नॉर्दर्न इंडिया में उगाई जाती है, ओके। आई थिंक आप लोग को ये बात क्लियर होगी। ये जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में हम इंडिविजुअली, जैसे वीट के बारे में भी पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियोज़ में, ओके। चलिए थैंक यू।